एक कार का प्राइस कितना है, कितने में ये लिए हैं कार? धनंजय धरकरणी अपना में ब्रांड है, खेसारी भी अपना ब्रांड है, दुनिया घर भी बनवा लिए, ऐसा कैसा कार भी ले लिए, धीरे धीरे सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब शादी कब कर रहे हैं? जो आगे बढ़ता है उनका बुराई भी लोग करते भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे खेसारी लाल यादव से आप मिले हैं, क्या कुछ नया आने वाला है खेसारी लाल यादव के साथ? आपका छोटे भाई संजय धरकन भी म्यूजिक लाइन से जुड़े हुए हैं, आप कहाँ तक उनको सपोर्ट करेंगे? तो नमस्कार, मैं हूँ जेपी राजा, और देखिए धनंजय धरकन एंट्री मार चुके हैं अपने नए चमचमाती हुए कार से अपने गाँव में लालबेगिया। आइए कुछ खास बातचीत करते हैं धनंजय धरकन जी से, जो कि अभी अपने कार के साथ उपस्थित है अपने गाँव लालबेगिया में। आप उधर से आ जाइए तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले फॉर्मिनर भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है धनंजय धरकन जी। सबसे पहले जितने भी हमारे भोजपुरी दर्शक लोग देख रहे हैं, सबको मेरा फॉर्मिनर की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। चलिए, आप नए कार के साथ अपने गांव में एंट्री मार चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आज पहली बार आए हैं घर पे गाड़ी लेकर, और कल ही आए, बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे सारे घर पे नया मेहमान आए हैं तो लोग खुश भी रहते हैं। चलिए, एक कार का प्राइस कितना है, कितने में ये लिए हैं कार, आप दर्शकों को बताइए? कार का प्राइस क्या बताया जाए, नॉर्मल जो कार है वही है, समथिंग 25। चलिए, बहुत अच्छा, और चमचमाते हुए कार के साथ आज धनंजय धरकन कितना ज़्यादा खुश है कि एक गरीब परिवार के लड़का अपने मेहनत के बदौलत धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और जिसके टक्कर देने वाला अब मेरे ख्याल से कोई नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, और पब्लिक लोग का प्यार है, भाई लोग का आशीर्वाद है, हमेशा माता रानी की कृपा बना हुआ है। और आप लोग का सपोर्ट है कि हम एक पे एक चीज़, अभी कुछ नहीं है, अभी तो चरण होने के लिए लिए हैं, घर द्वार बन गया, सामने शायद घर आप देख रहे होंगे, और इनके काम अंदर से चल रहा है, देख लीजिए अंदर मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, हाँ, तो जेंटी पेंटी के काम अंदर से चल रहा है, स्टार्टिंग है, और बहुत जल्द हम लोग कुछ अच्छा करने वाले प्रोजेक्ट हैं अभी, और इसके बाद हम लोग अभी तो बोलबम का सीजन चल रहा है, और बावाले लगभग कंवरिया भी भेज चुके हैं, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बहुत ज़्यादा भी मिल रहा है, उसका मतलब समझिए 10 लाख लोग मिलियन क्रॉस कर चुका है गाना, और नेक्स्ट हम लोग तैयारी में हैं, और देवी सॉन्ग का तैयारी में है, कुछ नया धमाका लेकर आने के लिए, कि नाच में मार्केट में ब्लास्ट उखाड़ने के लिए। चलिए, अभी 2-4 दिन पहले आप भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के साथ मिले हैं। जी जी, उनके साथ मिलकर कैसा लगा है आपको? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खेसारी लाल घमंडी है, ये है, वो है, लेकिन आपको कैसा लगा? खेसारी लाल भैया जी और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और बहुत मेहनती भी इंसान हैं, और उनको जो कहते हैं घमंडी है, तो शायद उनका मैटर क्या है, उनसे क्या परिचय है नहीं है, लेकिन जिस दिन हम मिले वो हमको खुद बैठाए, वो कुर्सी मंगवा कर खुद हमको सम्मानित किए, बैठाए आराम से हमको, उनका शूट चल रहा था, हम लोग साथ में लगभग 2-3 घंटा रहे हम लोग, और बहुत अच्छा से व्यवहार से हम लोग से बात हुई हमारे, और हमारे कुछ जीवनी के बारे में पूछे उन्होंने, हमको जानते हैं पहले से, अब एक कलाकार को इंडस्ट्री में रहने वाले सारे लोग को जानते हैं, और बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार है भाई, नो डाउट, बहुत बहुत अच्छा, और जितना अच्छा इंसान है उतना अच्छा काम भी है उनका, और लोग जो आगे बढ़ता है उनका बुराई भी लोग करते भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप खेसारी लाल यादव जी के साथ मिले, उसके बाद आप अपने फेसबुक पेज के माध्यम से उस चीज़ को शेयर किए, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग आपके बारे में फेक न्यूज़ भी बनाने लगे। अच्छा, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपके साथ फेक करते हैं? देखिए, कुछ न्यूज़ वाले हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप किसी के बारे में अगर भलाई नहीं सोच सकते हैं तो बुराई भी मत कीजिए। आप एक रिपोर्टर हैं तो अच्छे बातों को संदेश, अच्छे चीज़ों को संदेश आप अच्छे प्रेजेंट कीजिए, अच्छे जो चीज़ जो मार्केट जो सही था उसको आप लोगों तक पहुंचाइए, और ऐसा नहीं कि ये है वो है, कंपेयर, भाई हम दुनिया से कंपेयर क्यों करेंगे? मैं जितनी मेरी औकात है उतना ही में मैं खुश हूँ, जिस दिन टाइम आएगा उस दिन भी मैं बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और लोग बहुत सारे न्यूज़ वाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ये फलाने ने ये लिया, इसने तो यही लिया, उसने तो इतना बड़ा किया प्रोजेक्ट जितने दे, अबे भाई उसने उनकी 20 साल की मेहनत है, लगन है उनकी, मैं अभी मेरा 5-7 साल हुआ, जब उस दिन मैं आ जाऊँगा तो फिर भी तब हमसे कंपेयर कीजिए ना भाई, हम कंपेयर क्यों करें किसी से?
धनंजय धरकर अपना में ब्रांड है, खेसारी भी अपना ब्रांड है, दुनिया के सारे कलाकार सब अपने में ब्रांड है, छोटे बड़े सब अपना में ब्रांड है। चलिए एक चीज आपका मतलब समझ में नहीं आता, आप हमेशा बोलते आते कि एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट होगा, इसका इसका राज क्या बताइए? राज बहुत बड़ा है भैया, बहुत दिन तक लग जाएगा बताने में, शॉर्टकट में बताते हैं भाई, एंट्री मेरा लेट है लेकिन ग्रेट है, मेरा प्रोजेक्ट भी लेट जाता है और बसता है दबा के, ठीक ना? वो नहीं कि महीना का 30 गाना भेजिए एक गाना बाजे ना, 5 को भेजिए, बढ़िया भेजिए, लोग देखे तो कहें अरे धनंजय का प्रोजेक्ट आया, बचा फलनावा का प्रोजेक्ट आया, इतना सुंदर बनाया है, अब पॉड रिलीज करी और लोग मुखरे ना सुने ना देखे तो क्या मतलब है? एक और सवाल करेंगे आपके लाइफ से जुड़े हुए, जैसे कि आप घर भी बनवा लिए, ऐसा कैसा कार भी ले लिए, धीरे धीरे सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप शादी कब कर रहे हैं? अभी शादी की उम्र भोल कहाँ बा हमार, जे दिन उम्र हो जाइए दिन शादी हो जाए। अच्छा। हाँ अभी शादी अभी करेंगे, अब अभी जिस मुकाम पे हैं पहले उससे मैं हासिल कर लूँ, मार्केट में कुछ फिल्म आ जाए, कुछ लोगों को इंटरटेनमेंट दूँ, उसके बाद मैं अभी खेलने कूदने का उम्र है मेरा, शादी का मतलब। चलिए एक चीज़ और कंफर्म करवा दीजिए, जैसे खेसारी लाल यादव से आप मिले हैं, क्या कुछ नया आने वाला है खेसारी लाल यादव के साथ में, या फिर आप सिंगल ही? नहीं अभी देखिए भविष्य में मैं नहीं बता सकता जी, भविष्य में जब ऐसा होगा तो खेसारी भी या क्या अगर मान लेते हैं हमारे सामने, मतलब हम साथ में हीरो नहीं तो हमारे बुजुर्ग में तो आएंगे, हमारे भाई बड़े बन के आएंगे चाहे हमारे, है कि नहीं? लेकिन मैं आगे मतलब आगे क्या होने वाला है मैं नहीं बता सकता, जब आएगा तो खुद आप लोग देखेंगे। अब मान लेते हैं पुराने जितने भी कुणाल सिंह थे हीरो, जो आज के डेट में जो बड़े बड़े स्टार हैं, जैसे हमारे पवन भैया थे, निरहुआ जी हैं, तो उनके पिताजी लोग बनते हैं ना, वो अपने ज़माने में हीरो थे, अब उनका उम्र बुढ़ापा आ गया तो वो बाप का रोल निभाते हैं, कौन ठेकन हमारे उम्र में खेसारी भाई लोग चाहे दिनेश्वर लोग मेरे पिताजी के रोल निभाए लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है, समय का कोई नहीं देखा है। चलिए और आपका छोटे भाई संजय धरकन भी म्यूजिक लाइन से जुड़े हुए हैं, आप कहाँ तक उनको सपोर्ट करेंगे? वो तो मेरा भाई है, मैं तो हमेशा सपोर्ट में हूँ और मेरा तो सपोर्ट हमेशा रहा है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी पब्लिक लोग हैं आप लोग उसको सपोर्ट देकर आगे बढ़ाइए, और हमेशा लगन से लगा है तो आप लोग उसको उत्साह दीजिए, उत्साह कीजिए कि हाँ अच्छा करे, कुछ अच्छा बनाए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को शेयर करने के लिए। थैंक यू।